देखिए, जब सर। इसको हम हॉरिजेंटल में कराते हैं तो ये कौन सा शेप बनाता है? कोन का शेप बनाता है, कौन क्या बनाता है? कोन कौन? बनाता है। ठीक, तो कहने का मतलब दो कंडीशन आएगी इसमें, ठीक है। फर्स्ट हम लोग डालते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट व्हेन वेट ऑफ पार्टिकल इज नेग्लेक्टेड, वेट ऑफ पार्टिकल इज नेग्लेक्टेड, यानी जब पार्टिकल का वेट नेग्लेक्ट कर दिया जाए, ठीक, उस समय कितना फोर्स लगेगा, कितना टेंशन अप्लाई होगा, वो आपको निकालना है। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि व्हेन वेट ऑफ पार्टिकल इज नॉट नेग्लेक्टेड, नॉट नेग्लेक्टेड मीन्स क्या? यह कॉनिकल पेंडुलम को बनाए, इट फॉर्म कॉनिकल पेंडुलम, क्या फॉर्म करें? कॉनिकल पेंडुलम को फॉर्म करें, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में टेंशन। हमें टेंशन निकालना है, क्या निकालना है? टेंशन, कितना टेंशन अप्लाई होगा, फोर्स कितना होगा, और इसमें जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, यानी पूरा मूव करने में कितना टाइम लेगा। तो नाउ पुट द फर्स्ट हेडिंग, व्हेन वेट ऑफ पार्टिकल इज नेग्लेक्टेड। When weight of particle is neglected, चलिए सर, have you done it? हेलो, have you done it? यस सर। Now listen. First of all, we have to form a circle. Here, the center of this object this, and after that, how much tension is applied? The object is moving in this. By where tension is applied? Tension is applied in the direction of this. Tension T. Tension T is applied. Suppose mass of object is M. Mass of object is M. And draw the figure immediately. Okay, done, sir. Done.
ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ मीन्स इन दिस डायरेक्शन. ओके यस सर. Now write. When? When weightless particle is moving in circular path weightless object na moving in circular हॉरिजॉन्टल पाथ में है ना. मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल. ओके देन टेंशन टी इज प्रोड्यूस्ड इन फॉर दिस अ सेंट्रीपिटल फोर्स a centripetal force is acting. कहने का मतलब ये है कि इसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, काम करता है. ठीक है, जो क्या करता है कि कंटिन्यूअस टेंशन को फोर्स प्रोड्यूस करता रहता है, जिससे टेंशन लगातार बना रहता है. ठीक है, सपोज मास ऑफ पार्टिकल इज एम. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एम है. ठीक है, अब जब m मास का पार्टिकल r रेडियस पे विच इज मूविंग इन r रेडियस ऑफ सर्कल किस सर्कल में, एक सर्कल हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस क्या है, आर है, देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन. टी जो होता है, टी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, देखिए टेंशन वो हो जाएगा एमआर ओमेगा स्क्वायर एम वी. देखिए हाँ, एमआर ओमेगा स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं क्या, मास इनटू मास इनटू एसिलरेशन. और एसिलरेशन मीन्स वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं इसको. और अगर क्लियर में लिखा जाए देन वी कैन राइट
एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर ओके। ये तो टेंशन हो गया, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं टाइम पीरियड। नाउ टाइम पीरियड इज इक्वल टू, देखिए टाइम पीरियड निकालने का मतलब है कि अगर पार्टिकल जो पूरा सरफेस में, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे कि यह पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो एक राउंड पूरा करने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना डिस्टेंस अपान क्या उसकी वेलोसिटी। भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान, सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान वेलोसिटी या स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है, 2 पाई आर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और वेलोसिटी कितनी है अपॉन वी। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई आर अपॉन वी। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दो, अगर वी स्क्वायर अपॉन आर लिखते हैं, अगर हम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखते हैं तो क्या बनता है वहां, यहाँ एम वी स्क्वायर, देखिए एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है थोड़ा सा बताएंगे, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है ना, क्या होता है वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, पढ़ियो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, जहां v है वहां क्या रखेंगे, ओमेगा इंटू आर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। तो r से r कैंसिल, बचा क्या, टाइम पीरियड कितना लगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड कितना हुआ, 2 पाई अपॉन ओमेगा, पाई अपॉन ओमेगा। राइट डाउन, डन, ठीक। फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट होता है, नाउ सेकंड पॉइंट नेक्स्ट डे, ठीक है, चूंकि अंधेरा हो गया इधर। कल की क्लास जो होगी मॉर्निंग में हो, मतलब मॉर्निंग में, सॉरी 3 बजे से होगी, ठीक है, 3 या 4 बजे, दोपहर में मत रखिए सर, 5 बजे, 5 बजे ठीक, 4 बजे नहीं पढ़ोगी, मैं दोपहर ही तो रहती, चलो अच्छा ठीक है 5 बजे ओके। अब आज फर्स्ट क्लास थी इसलिए थोड़ा सा कम पढ़ाया।